टॉयलेट में पेशाब करने के लिए जाता है, वहां पहले से एक मक्खी बैठी हुई थी। वह मक्खी को देखता है और पैंट खोलकर मक्खी के ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। मक्खी वहां से उड़ जाती है और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। मक्खी को बैठी देखकर वह बहुत खुश होता है और पैंट खोलकर उसके ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह कहां खड़ा हुआ है। वह पब्लिक के ऊपर भी पेशाब करना शुरू कर देता है। ये किसी की बर्थडे पार्टी थी। बेंको चटाई खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। वहां वह दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार उस चटाई की खूबी बताते हुए यह कहता है कि यह उड़ सकती है। बेंको यह सुनकर बहुत खुश होता है और चटाई खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जब बेंको ने कुछ पैसे चटाई के निकाल के दिए तो दुकानदार ने और पैसे निकालने को कहा और इस प्रकार दुकानदार बेंको को ठग लेता है। बेंको चटाई बिछाकर वहीं पर चटाई के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन चटाई नहीं उड़ती है। बाजार में उपस्थित सभी दुकानदार बेंको की इस हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा करिश्मा होता है कि वह चटाई उड़ना शुरू कर देती है। यह देखकर दुकानदार बेंको को चटाई से नीचे फेंक देता है और उस पर खुद बैठ जाता है। और कुछ देर बाद दुकानदार धीरे धीरे एलियन स्पेस में चला जाता है। स्पेस में मौजूद एलियन उसके टुकड़े टुकड़े कर खा जाते हैं। एक लड़की शूटिंग गैलरी में जाती है और वहां पर उपस्थित ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके निशाना बनाना शुरू कर देती है। वह जिस वस्तु पर निशाना लगाती है उसका निशाना बिल्कुल फिट बैठता है। वह धीरे धीरे करके शूटिंग गैलरी के हर एक ऑब्जेक्ट को निशाना बना लेती है। वह शूटिंग करके बहुत खुश हो रही थी। शूटिंग गैलरी वाला चौंक गया और उसको बधाई देने लगता है। तभी वहां मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है और मिलिट्री वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। जंग के मैदान में गोलियां चलती देख कर लड़की चौंक जाती है। एक बहुत बड़ा क्विज शो चल रहा था। इस क्विज शो के अनुसार आपको जो वस्तु चुननी होगी वही आप ले जा सकते हैं, जो कि दरवाजे के पीछे थी। इसमें बेंको नंबर 2 का सिलेक्शन करता है और उसके बाद में वो दरवाजे को उखाड़कर ले जाता है। यह देखकर वहां कुछ शो चलाने वाले चौंक जाते हैं। बेंको मदमस्त तरीके से साइकिल पर उस दरवाजे को ले जा रहा है। दो लड़के जिसमें एक मोटा और एक पतला था उछलते कूदते भागते हुए जा रहे थे। तभी बीच में एक नाला पड़ता है। छोटा वाला रस्सी के सहारे दूसरे पार चला जाता है। मोटा वाला लड़का उसे पार नहीं कर पाता है और बीच में अटका रह जाता है। उसे खाने के लिए नाले में से मगरमच्छ निकल आता है। छोटा वाला भी उसे बचाने की कोशिश में मगरमच्छ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो किसी औरत के बाल थे जो के ऊपर से झांक रही थी। तीनों के वजन से सारे बाल उखड़कर नीचे आ जाते हैं। बेंको अपनी औरत को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में लेकर आता है। वहां डॉक्टर आती है और उसके अंदर झांकने लगती है। अब डॉक्टर डिलीवरी कराने की पूरी कोशिश में लग जाती है। डिलीवरी में काफी समय लग जाता है और काफी समय के बाद उसे खरगोश का बच्चा नजर आता है। वह डॉक्टर उसे पकड़कर खींच लेती है। यह देखकर डॉक्टर और माँ दोनों चौंक जाते हैं। तभी बेंको अपनी टोपी में से बच्चे को निकालकर दिखाता है। ताली बजने लगती हैं। स्पाइडरमैन छत पर बैठा हुआ था। वह देखता है कि एक औरत ऊंची बिल्डिंग से गिर रही है। वह अपने हाथ से जाल निकालता है और उसे जाल में जकड़ लेता है और उसे सुरक्षित नीचे उतार देता है। यह देखकर लड़की बहुत खुश होती है और उसे चूमने लग जाती है। जैसे ही लड़की उसका मास्क हटाती है वह अपने अंदर निगल लेता है और खा जाता है।